गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 7 अगस्त 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है ये आपको बताना है। तो इसमें 5 अगस्त हो जाएगा, 4 अगस्त, या फिर 6 अगस्त, या फिर हो जाएगा इसमें 7 अगस्त। तो इसमें हमारा ट्राइफेड का जो है 34वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर 3 है, 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को ही यॉर्कशायर दिवस भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को अगस्त का पहला शुक्रवार अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस, 4 अगस्त को अगस्त का पहला रविवार यह मित्रता दिवस, और 4 अगस्त को ही अमेरिकी तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है और ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस भी 6 अगस्त को मनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, ये कौन थे। ये एक लेखक थे, साहित्यकार थे, या पत्रकार थे, या फिर फुटबॉलर थे। तो ये कौन थे, कौन है शंकर सुब्रमण्यम, इनका निधन हुआ है, ये कौन थे। तो ये एक फुटबॉलर थे। ठीक है, ये एक फुटबॉलर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है। तो हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है। तो ये अमेरिका है, जापान है, चीन है, या फिर रूस। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है। देख लेते हैं, तो यहाँ पर चीन में साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है, मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ये भी चीन ही है, हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो ये भी चीन ने किया है, वाइड्यू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, तो ये भी चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो ये मिल्खा सिंह हैं, मेजर ध्यानचंद हैं, पीटी उषा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद का मेजर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जिसका नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हॉकी दिवस मनाया जाता है, तो किसके नाम पर मनाया गया, तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाएगा। ठीक है, क्या नाम, तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो ये पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, या फिर झारखंड है। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा उत्तर नंबर 1, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कई मैचों के बाद में इस बार जो हॉकी टीम है उसने रजत कांस्य पदक जीता हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा। भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता लागू करेगा, तो ये बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, या फिर नेपाल। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें उत्तर हमारा 1 सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। तो देख लेते हैं कहाँ है, तो ये बांग्लादेश के साथ में भारत है, ये आपदा प्रबंधन समझौते पर ज्ञापन को लागू करेगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की है? तो ये पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है या फिर तेलंगाना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा 4, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने नई दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू की हुई है। तो देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के बारे में देखते हैं, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर बना भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। भारत में सांस्कृतिक स्थल 31 और प्राकृतिक में 7 और मिश्रित में 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो टोटल मिलाकर 39 हो रहे थे, एक और बढ़ गया है, वो कौन सा है? तो धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा की जो धोलावीरा जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो टोटल मिलाकर अब भारत के 40 स्थल हो गए हैं किसमें, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश ने कोरल हानिकारक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है? ये नेपाल है, थाईलैंड है, मलेशिया है या फिर सिंगापुर। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड देश ने कोरल हानिकारक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो ये केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या फिर झारखंड। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? तो उत्तर सही हो जाएगा उत्तर नंबर 1, केरल। केरल राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है। इसमें ऐसा किया गया है कि जिन बच्चों के पास में ऐसे उपकरण नहीं है, जिन डिजिटल उपकरण नहीं है, उनको डिजिटल उपकरण प्राप्त कराए जाएंगे। तो देख लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान अनामुडाई, सोला, एराविकुलम, कठिमकट्टनम, पावादुरम, पेरियाल और साइलेंट वैली यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं एक बार और। तो इसमें केरल का हाईकोर्ट कोच्चि में है, टोटल जिले 14 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी जो कि झारखंड और कर्नाटक का भी है। यहाँ का पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल है। फूल कानिकन्ना है, वृक्ष कोकोनट और यहाँ पर कटहल जो फल है वो कटहल है। नेशनल पार्क एराविकुलम में इसमें अनामुडाई चोटी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसी पार्क में है। और लेक कोम झरना इसी पार्क में है। नीलकुरुंजी के फूल 12 साल में एक बार उगते हैं, वो भी इसी पार्क में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विशेष दूत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या फिर रूस के या फिर अमेरिका के। तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में BRO ने कहाँ सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई है? तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इसमें उत्तर हमारा सही हो जाएगा उत्तर नंबर 4, लद्दाख में, ठीक, कहाँ? लद्दाख में बनाई गई है। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची रोड कहाँ बनाई गई? तो ये लद्दाख में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये लियोन मंडेका हैं, अर्जुन कल्याण हैं, हर्षित राजा हैं या डी गुकेश हैं। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा उत्तर नंबर 3, हर्षित राजा जो हैं ये 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। तो देख लेते हैं शतरंज जो कौन करवाता है? तो ये है FIDE, इंटरनेशनल फेडरेशन। हाँ ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन है। तो ये इसकी स्थापना 1924 में हेड ऑफिस लुसाने स्विट्जरलैंड। पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। और पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी महिला में तो ये कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो डी गुकेश हैं। कौन हैं? डी गुकेश हैं। और 67वें, ठीक है, डी गुकेश 67वें कौन से हैं? तो 67वें डी गुकेश हैं। और 67वें लियोन मंडोका, ठीक है, 67वें खिलाड़ी कौन है? 67वें खिलाड़ी लियोन मंडोका हैं जो गोवा के हैं। 68वें खिलाड़ी अर्जुन कल्याण हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और हर्षित राजा जो हैं ये महाराष्ट्र से हैं जो 69वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो भारत के किस राज्य ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा एक, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत के पहले भूकंप चेतावनी मोबाइल ऐप का अनावरण किया हुआ है। तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट गंगोत्री, फिर क्या है, गोविंदा, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी भी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं उत्तराखंड राज्य को, फूलों की घाटी भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो भारत किस देश के अगालेगा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बना रहा है? तो भारत किस देश के अगालेगा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बना रहा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका या फिर चीन। तो ये अगालेगा द्वीप जो है ये किस देश में है और यहाँ पर भारत अपना सैन्य अड्डा बना रहा है? तो ये हो जाएगा उत्तर नंबर 1, मॉरीशस। मॉरीशस देश के अगालेगा द्वीप पर भारत एक सैन्य अड्डा बना रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन बाई जय देवी कम्सा क्लासेस। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।